आचार्य श्री कृति दोहा स्तुति शतक में आज श्यामनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। राग देश मोहये होते कारण तीन लोक में भ्रमित यह दीन हीने अगली। आचार्य श्री इस दोहे में संसार में भ्रमण के तीन कारण बतला रहे हैं, राग देश और मोह। इनके कारण में ही जीव दीनहीन और पाप में लीन होता है। राग और देश की परिणति, जहाँ कोई चीज अच्छी लगती है उसको चाहना, उसको प्राप्त करने की भावना राग होती है। कोई जो पसंद नहीं आता उसको दूर करने की भावना द्वेष होती है। और मोह जो होता है वो सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। मोह में ऐसी परिणति होती है कि जो चीज अपने लिए अहितकर है उसको भी वो चाहता है, और साथ साथ में जो अपने लिए हितकर है उससे भी द्वेष करने लगता है। तो मोह की परिणति ज्यादा खतरनाक होती है। राग और द्वेष से तो सभी लोग परिचित रहते हैं। मोह से परिचित के लिए एक माँ ने जिसके बच्चे को स्कूल में डाला था और नया नया नौकर आया था, उससे कहा कि जाकर के हमारे बच्चे को टिफिन दे करके आओ। तो वो पूछता है कि आपके बच्चे का क्या नाम है, कैसा लगता है। तो माँ कहती है उस स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा जो है वो मेरा है, बस तुम्हें जो सबसे सुंदर बच्चा दिखे उसको जाकर के टिफिन दे देना। वो जाता है, शाम को बच्चा जब लौट करके आता है तो रोता हुआ कि माँ आज टिफिन नहीं भेजा, मैं आज तो बिल्कुल भूख से मरा जा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो मेरा। तो माँ कहती है मैंने टिफिन भेजा तो था लेकिन मेरे पास तो नहीं पहुंचा। और जब नौकर से पूछते हैं तो वो नौकर कहता है कि उस स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा तो मेरा है, मैं उसको ही टिफिन दे करके आ गया। तो ये मोह की परिणति होती है, जहां पर व्यक्ति कुछ नहीं समझता कि सुंदर असुंदर, जो उसको अच्छा लग रहा है वो उसको सुंदर समझता है। आजकल बहुत सारे बच्चे फास्ट फूड, बहुत सारे पाउच आदि खाते रहते हैं जो उनके लिए हितकर नहीं है। फास्ट फूड की डेफिनेशन में आता है कि इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको खाने की ऐसी लत लग जाती है। ये भी मोह की ही परिणति है। इसी प्रकार से धर्म गुरु आदि से जो द्वेष के भाव होते हैं वो भी मोह की ही परिणति होती है। जब आचार्य जी के परिवार से सभी लोग निकलने वाले थे और उस समय विद्याधर के बड़े भाई महावीर जी, उन्होंने देखा दोनों छोटे भाई भी जब आचार्य जी के पास गए और कहने लगे हम घर जा रहे हैं, तो आचार्य जी ने उनको समझाया जिसको तुम अपना घर कहते हो उसको तुम्हारे पूर्वज भी अपना कहते थे, लेकिन वो सब छोड़ छोड़ करके चले गए, कहाँ जा रहे हो। और उनको संबोधन दिया तो दोनों ने व्रत ग्रहण कर लिया। पिता माता दोनों बहने वो भी दीक्षा लेने के लिए आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के संग में जा रहे हैं। तो उस समय अकेले महावीर जी मन में सोचते हैं कि मैं तो अकेला रह जाऊंगा, और उन्होंने एक तार भेज दिया आचार्य धर्मसागर जी के पास में कि महावीर की मृत्यु हो गई, अपनी ही मृत्यु का उन्होंने झूठा तार भेज दिया। तो वहां धर्मसागर जी ने उनको कि अपने घर जाओ, तो उस समय आचार्य जी महावीर जी में विराजमान थे, तो वो वहां से सब लोग महावीर जी आए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आचार्य जी ने कहा कि ये सब महावीर का नाटक है। और
उनसे कहा कि आप आचार्य कल्पशुद्ध सागर जी के पास चले जाओ। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके जो आचार्य हैं वो तो 12वें गुणस्थान के वितरागी हैं, हम लोग तो 6ठे 7वें गुणस्थान के वितरागी हैं, इसलिए जैसा आचार्य धर्मसागर जी ने कहा है वैसा ही करो, आप लोग अपने घर जाओ। घर जाकर के देखा तो वहां पर घर पर पता पड़ा कि वो अंदर लाइट बाती जल रही है, कहीं बाहर गए हुए हैं, इसका मतलब है वो झूठा ही था। लेकिन ये मोह की परिणति ऐसी होती है। लेकिन बाद में उन्होंने अपने मोह पर विजय प्राप्त करके आचार्य से दीक्षित होकर के उत्कृष्ट सागर के रूप में है। तो परिणति मोह की परिवर्तन भी हो सकती है, लेकिन संसार में परिभ्रमण के जो कारण है उनमें राग द्वेष और मोह ये तीन होते हैं। जहां राग होता है राग भी द्वेष के रूप में कब परिणत हो जाए कोई भरोसा नहीं। कहा भी जाता है कि जिनके बीच में खूब पड़ती है, जहां ज्यादा मीठा होता है वहीं पर कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसी परिणति होती है। राजा अशोक की एक पत्नी तिश्य रक्षिता, जिसको अधीर अवस्था में उन्होंने प्राप्त किया था, बहुत सुंदर थी और वो राजा अशोक के पुत्र पर ही मोहित हो गई। कुणाल नाम का उनका पुत्र था, उसकी कुणाल पक्षी के समान सुंदर आंखें थी, उस पर मोहित हो गई। लेकिन वो शीलवान था, वो उनके चक्कर में नहीं आया। जिसको वो प्राप्त नहीं कर पाई वो किसी दूसरी जगह पर जाकर के शासन करने लगा, क्योंकि वो चाहता था कि सुरक्षित रहें। लेकिन जहां जिसको प्राप्त नहीं कर पाया उसी के प्रति द्वेष हो गया, तो उसके लिए सम्मानित करना है ऐसा कह करके पत्र भिजवाया और उसमें उनके लिए सम्मान में अधीताम उनको ये सम्मान दिया जाता है। लेकिन उस विमाता ने उस अधीताम में आके ऊपर बिंदी लगा करके अंधीताम उनको अंधा किया जाए, ऐसा जो है वहां पत्र भिजवाया। तो ऐसी मोह की परिणति हो जाती है, राग भी देश के रूप में परिणत हो जाता है। तो ऐसे राग देश और मोह, इनमें राग देश इतने खतरनाक नहीं है जितना मोह होता है। इसलिए सबसे पहले मोह पर जिसमें पर पदार्थ को अपने मानने की भावना होती है, पर पदार्थ को चाहना नहीं चाहना ये राग देश की परिणति होती है, पर को अपना कहना ये मोह की परिणति होती है। इसके कारण में ही संसार में जीव दीनहीन होकर के और पाप में लीन होता है, ऐसा इस पहले काव्य में कहा है। अब इसी के साथ साथ में एक और कि जब मोह की परिणति होती है तो व्यक्ति बेमेल जब विवाह होते हैं तो उसमें मोह के कारण में ही वो स्वीकार कर लेता है और बाद में मोह के कारण ही पछताता है, इसको भी साथ साथ में अपन देख सकते हैं। अब अगले काव्य में निज क्या पर क्या सो पर क्या भला बुरा बिन बो जी जी विशाले खोजता सुख ढोता तन बो। आचार्य श्री ने सिंहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए दूसरे काव्य में कह रहे हैं कि क्या अपना है और क्या पराया है, कौन मैं हूं और कौन पर है, इस प्रकार से क्या हमारे लिए हितकर है और क्या अहितकर है, इस प्रकार का भेद विज्ञान के बिना जीव केवल जीने की आस्था लेकर के, जीने की इच्छा लेकर के और संसार में परिभ्रमण करता रहता है और सुख की इच्छा में, सुख प्राप्त करने की इच्छा में अपने तन रूपी बोझ को ढोता रहता है। यानी मोह की परिणति जब तक रहती है तब तक वो इन सब चीजों में भेद विज्ञान से युक्त नहीं हो पाता। तो वास्तव में अपना क्या है, जो कुछ सिद्धों के पास में है वो बस केवल अपना है, बाकी जो कुछ भी अपना जिसको अपन ने मान रखा है वो सब पर है। और उसमें जीव तत्व अपना है, जीव तत्व में भी आत्म तत्व अपना है, बाकी सारे जीव तत्व भी अपने नहीं है। और क्या हमारे लिए हितकर है, क्या हितकर है, धर्म हमारे लिए हितकर है,
अधर्म हमारे लिए अहितकर है। जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होता तब तक जीव मोह के ही चंगुल में फंसा रहता है। तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग जो कि बाहरी सामग्री को इकट्ठा करके अपने आप को बहुत धनवान समझते हैं, उनकी केवल ऐसी फीलिंग रहती है कि हमारे पास में बहुत कुछ है। ये जो है प्रारंभिक भूमिका के लोग रहते हैं। जब व्यक्ति क्या हमारे लिए करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य इस पर विचार करता है तब वो जो है इससे ऊपर उठता है। और इससे भी जब लोग ऊपर उठते हैं, जब विचार करते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं, जब तक ये विचार मन में उत्पन्न नहीं होता तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती। तो यहाँ मोह के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आचार्य जी ने ये सूत्र दिया है कि हमें प्रतिदिन इस पर विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है और मेरे लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है। इस प्रकार से यदि प्रतिदिन प्रातः काल में प्रत्येक प्राणी विचार करे तो उससे मोह के ऊपर वो विजय प्राप्त करने में अग्रसर हो सकता है। अगले काव्य में अनेकांत की कांति से हटाते मेरे काम, नितांत हर्षित कर दिया क्लांत विश्व को शांत। इस संसार में एकांत का अंधकार छाया हुआ है, जहां जीव स्वार्थ के वशीभूत होकर के केवल अपना ही कल्याण करना चाहता है, भले ही पर के लिए अकल्याण का मार्ग बन जाए। ऐसा एकांत का अंधकार अनेकांत की कांति से ही दूर हो सकता है। आचार्य जी ने मूक माटी में जो उनका महाकाव्य है उसमें एक अंक के माध्यम से अनेकांत और एकांत को समझाया है। उसमें 63 जो संख्या होती है, जहां हिंदी में 63 लिखा जाता है, वहां 6 और 3 एक दूसरे को देखते हैं और ये अनेकांत का प्रतीक है। यानी दूसरे की ओर भी दृष्टि है, दूसरे के भी दृष्टिकोण को स्वीकार करने की दृष्टि है। और जहां 36 होता है वहां पर 3 6 को पीठ दिखा रहा है और 6 3 को पीठ दिखा रहा है। तो जहां एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर भाग लेना ये सज्जनता की पहचान कहलाती है, और औरों के सुख को देख करके जलना और औरों के दुख को देख खिलना ये दुर्जनता का लक्षण कहलाता है। तो इसके माध्यम से आचार्य जी ने इस एकांत अनेकांत को समझाने के लिए एक दोहे के माध्यम से भी लिखा है कि ही से भी की ओर भी बड़े सभी हम लोग 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। जहां ही की बात होती है, मैं ही सही हूं, ये एकांत की भाषा है, जहां अहंकार की भाषा होती है। और भी जो होता है वो सामने वाले के भी दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। इसीलिए यहाँ पर 6 के आगे 3 जो एक दूसरे को देख रहे हैं यही विश्व की शांति का योग है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि जो एकांत का अंधकार है वो अनेकांत की कांति से दूर होता है। अच्छा जी ने मूक माटी में ही लिखा है कि हम ही सब कुछ हैं, यूं कहता है ही सदा, तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो। और भी कहता है हम भी हैं तुम भी हो सब कुछ। ही पश्चिमी सभ्यता है, भी है भारतीय संस्कृति भाग्य विधाता। रावण था ही का उपासक और राम के भीतर भी बैठा था। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत, यह अभी हो या कभी हो, भी से भेंट सभी की हो। जहां एक नगर में जहां सारे अंधे रहते थे और जब हाथी वहां पर आया तो उन्होंने उसको स्पर्श करके, जिसने पेट को स्पर्श किया तो उसको दीवार की तरह हाथी लगा,
जिसने सूर को स्पर्श किया तो उसको खंभे की तरह दिखाई दिया, जिसने पूंछ को स्पर्श किया उसको झाड़ू की तरह समझने आया, जिसने कान पकड़ा उसको सूपे की तरह दिखाई देता है। इस प्रकार से सब लोग एक एक अंग को पकड़ करके हाथी को उस रूप में बतलाते हैं। वास्तव में हाथी तो इन सबका मिला जुला रूप है। तो एकांत जो होता है वो केवल एक पक्ष को पकड़ता है, जिसके माध्यम से पूर्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। अनेकांत के माध्यम से जिसमें प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उन सभी धर्मों का ख्याल रख करके उनका सहयोग लेकर के ही पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आचार्य ने इसमें कहा कि जो विश्व दुखी हो रहा है वो इसी कारण में, जो जैसे अभी यूक्रेन में जहां रशिया ने युद्ध की स्थिति बनाई है, वहां उसमें भी वो केवल इस एकांत के कारण ही कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी बात मानो, सामने वाले को स्वीकार नहीं कर रहा। इस प्रकार से इस अनेकांत के माध्यम से ही इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। एकांत के माध्यम से हमेशा आपस में संघर्ष और क्लेश ही बना रहता है। अगले काव्य में निश्चेयस सुख धाम हो, हे दिन वर्षे आंस, तब धुति अविरल मैं करूं, जब लो घट में स्वास। अच्छा, शीश श्रीनाथ भगवान की स्तुति के आखिरी काव्य में कह रहे हैं कि भगवान जिनका नाम श्यांसनाथ है, निश्चयस अर्थ मोक्ष के लिए होता है। तो श्यांसनाथ भगवान सुख के धाम है, ऐसे जिनवर श्यांस के लिए कि जो निश्चयस सुख का धाम है, मोक्ष का धाम है, तो ऐसे मोक्ष के धाम को जिन्होंने प्राप्त किया है। और उनकी स्तुति में कि आपकी स्तुति अविरल यानी सतत में कर सकूं जब तक इस घट में श्वास विद्यमान है। जहां मोक्ष के स्वरूप के बारे में जब प्रश्न किया जाता है तो मोक्ष सुख का धाम है, जो इसमें लिखा है कि निश्चयस सुख धाम हो। एक बार आचार्य से प्रश्न किया कि आचार्य सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए, तो आचार्य ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की वो श्लोक के माध्यम से कहा कि मोक्ष के बारे में और संसार के बारे में विचार करने के लिए कि संसार कैसा है, तो अशरण मशो मनित्यम दुख मनात मान मावसामी भवम मोक्षास्तद विपरीत मेदिध्यायन्तु सामयिके। तो संसार के स्वरूप के बारे में कि जो अशरण है, जहां पर किसी के लिए शरण प्राप्त नहीं हो सकती, अशुभ है, अनित्य है, दुख है, आत्म स्वभाव से विपरीत है, और मोक्ष शरणभूत है, शुभ है, नित्य है और सुख रूप है और आत्म स्वरूप है। इस प्रकार से जिस मोक्ष धाम को श्यांसनाथ भगवान ने प्राप्त किया है वो सुख का धाम है, वो हम लोगों के लिए भी प्राप्त हो और उसकी भावना, उनकी भावना प्राप्त करने के लिए ऐसे जिन्होंने उसको प्राप्त किया है उनकी आराधना के माध्यम से ही उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर स्तुति जो है वो स्तुति का ही हिंदी रूप है कि भगवान आपकी स्तुति में जीवन के अंत तक करता रहूं। इसीलिए जहां भी स्तुति के भाव आते हैं उसमें स्तुति के भाव में कि भगवान ऐसा हमारे लिए आशीर्वाद देना, ऐसा हमारी भावना है कि अंत तक हमारा कंठ जो अवरुद्ध ना हो, अंत समय में भी आपके गुण गाते हुए ही प्राण छूटे। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने लिखा है कि जब तक इस घट में श्वास है, ये शरीर को घट का रूप दिया जाता है, घट के रूप में कहा जाता है, और उसमें कि आपकी स्तुति करते करते ही प्राण निकले। इस प्रकार से समाधि भक्ति में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्तुति की है। तो ऐसे इन चार काव्यों के माध्यम से अपन ने श्यांसनाथ भगवान की स्तुति को यहाँ पर पूर्ण किया। इति श्री शिवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।